जिंदाबाद सुल्तान जिंदाबाद सुल्तान जिंदाबाद भारत माता की जय हो। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, स्वागत करता हूं आपका द राजस्थान लाइव न्यूज़ पर। द राजस्थान लाइव न्यूज़ की देसी चुनावी यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर में। गुड़ा और गुड़ा ढहर जो पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, इस बार गुड़ा और गुड़ा ढहर को अलग अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है। इसके बाद में गुड़ा ढहर से हमारे पास सरपंच प्रत्याशी श्री फूलचंद जी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या कार्य हैं जो ये मुख्य प्रायोरिटी में लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनको अपनी ओर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि झुंझुनू जिले में 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होने थे, जो 2 चरण अब तक पूरे हो चुके हैं। तृतीय चरण के चुनाव में अभी, जिसमें उदयपुर वाटी का नाम भी है, जो 10 तारीख को आने वाली 10 तारीख को उदयपुर वाटी के 44 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। आज हम ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर के सरपंच प्रत्याशी फूलचंद सैनी से खास मुलाकात कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताइए सर, क्या कार्य हैं जो आप लेके मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनको अपनी ओर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये है, ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर में पंचायत निर्माण भवन है, अच्छी तरह अच्छी जगह में, जो ढहर वासियों के बीच में जो समर्थन देंगे वो ढहर वाले बोलेंगे कि यहाँ पंचायत भवन बने। हाँ, इस बार मतलब नई ग्राम पंचायत बनी है, पहला प्रायोरिटी का काम आपका, पहले प्रायोरिटी का तो ये है। दूसरा, यहाँ पानी की एकदम किल्लत है, तो पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा पानी के लिए मतलब मैं प्रयास करूँगा खूब कि हर घर में पानी पहुँचे। तीसरा, डहाणियों में रास्तों की कमी है, तो वो तीसरा प्राथमिकता रास्तों की है जी। और युवा पीढ़ियों के लिए अच्छी हरी साग ग्राउंड के लिए जगह बस्ती के हाथ जोड़कर मतलब कहाँ से जगह मिले उस जगह ग्राउंड की व्यवस्था कराऊंगा और बढ़िया। वैसे तो मैं पहले भी रहा था सरपंच। अच्छा, पहले आप इस ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हो, पूर्व। तो क्या विकास कार्य हैं जो अधूरे रह गए थे, जो आप आने वाले 5 साल में करने की? वो पूरे पहले जो अधूरे रहना, जिन ढहाणियों में काम हो गया और भी उनमें और डिमांड होगी रास्ते की, तो रास्ता होगा। अब नई जो भी जितनी ढहाणियाँ हैं बचे हुए कार्य उनमें 5 साल में संपूर्ण हो जाएंगे। सरकार की जैसी योजना आएगी, जैसा योजना के आरोप यही लगता रहा कि जो पिछले जो सरपंच आए हैं, पिछले सरपंचों का जो कार्यकाल आया है, उनमें उन्होंने जो पूरे विकास के जो कार्य हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचाए, धरातल तक नहीं पहुंचे, काफी जगह से ये शिकायतें भी आई हैं। नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो कोई शिकायत नहीं है जी। अच्छा, पिछले कार्यकाल इससे जस्ट पहले वाला कार्यकाल आप ही का था? आपका ही था, उससे पहले वाला ही मेरा था। 15 साल से आप ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर में? 10 से 14 तक, 14 के बाद में उपचुनाव हुए थे 18 से, अब ये 2000 है। अच्छा सर, उसमें क्या विकास कार्य थे जो अधूरे रह गए थे? देखो, मेरे तो अधूरे था रास्तों के हिसाब और पानी की व्यवस्था नहीं हुई है भैया। मेन प्रायोरिटी कार्य आपकी पानी की व्यवस्था, मेन है पानी की व्यवस्था, पानी की मेन है। और रास्ता मतलब प्रत्येक ढाणी में गाड़ी जाए ऐसा रास्ता तैयार होगा, तैयार कराऊंगा। आगे आने वाले सरकार में योजनाबद्ध काम आएंगे जी, जी उसी हिसाब से करवाते रहेंगे। आगे आने वाली 10 तारीख के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? अपील तो यही कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे मतदान करें और बढ़िया काम हो जाए, विकास का काम हो। ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं और सरपंच प्रत्याशी फूलचंद सैनी जी ग्राम पंचायत गुड़ा ढहर से। हमारे साथ गांव के युवा हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं क्या इनकी राय है। नमस्कार भैया। ये आने वाले 5 साल में पूर्ण बहुमत के साथ काम करेंगे और कोई भी समस्या का समाधान घर बैठे होएगा। कोई भी समस्या का? हाँ, कोई भी समस्या का घर बैठे समाधान। आप किस सरपंच के प्रत्याशी के संपर्क में ये बातें कर रहे हो? फूलचंद सैनी। अच्छा, ये फूलचंद सैनी जी के समर्थक हैं। इन्होंने बताया कि दावा हम भी कर रहे हैं कि अगर फूलचंद सैनी जी जीत जाते हैं तो आगे आने वाली 5 साल में हर एक व्यक्ति का काम घर बैठ के किया जाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर लेते हैं क्या इनकी राय है, क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। यानी कि गुड़ा ढहर में जितने भी काम हुए ना, वो सरपंच जी के द्वारा ही किए गए हैं और इतना काम किया है कि कोई विरोध है ही नहीं बिल्कुल भी। जी जी जी।
विरोध होगा भी नहीं, आगे 5 साल भी नहीं होगा। और जो भी जहाँ भी जा रहे हैं ना गुड़ाडेर के अंदर, वहाँ पूरा बहुमत मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सबका द्वारा मिल रहा है। कोई क्या विकास कार्य है जो आप इनसे मांग करते हैं कि आप अगर सरपंच प्रत्याशी चुने जाते हैं? हमको तो बोलना ही नहीं पड़ता, इनसे पहले सरपंच जी है वो पहले काम करवा देते हैं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फुल बहुमत के साथ काम, यानी कि पूरा डेर में जो भी जहीं भी जाते हैं ना वहीं पे खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सब। और कैसा माहौल चल रहा है? माहौल एक नंबर का है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 साल तक यानी कि सरपंच रहे हैं, अगले 5 साल भी यही रहेंगे। और भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे और बात कर लेते हैं। मैं नवीन ग्राम पंचायत गुड़ाडेर से महेंद्र सैनी बोल रहा हूं और फूलचंद जी सरपंच के पक्ष में बोल रहा हूं। जी जान से मेहनत से लग रहा हूं, पूरी जनता बच्चे बूढ़े जवान सभी लग रहे हैं, इनको भारी मतों से विजय दिलाने के पक्ष में सभी समर्थन कर रहे हैं, जी जान से लग रहे हैं। और जो हमारी ग्राम पंचायत पहले गुड़ा थी, जो अभी उससे अलग होकर ग्राम पंचायत गुड़ाडेर बन गई है, और पहले गुड़ाडेर में हम पूरी पंचायत में शामिल थे, सभी एक ही जगह थे। 70 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर हमारे ग्राम पंचायत गुड़ा में कोई भी विकास नहीं हुआ। पहले जो भी सरपंच इनसे पहले बने हैं फूलचंद जी से, और इनके बनने के बाद में हमारी ग्राम पंचायत में नए रास्ते बने हैं, पानी की टंकी बनी है, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। ग्राम पंचायत को अलग करवाने का काम भी इनके है, इनका ही देरी है। जी जान से जहाँ भी जाना है वो भी करना है, सभी काम इनके पक्ष में हुआ है, और जनता आज इनको भारी मतों से विजय दिलाने के पक्ष में खड़ी है। जय हिंद जय भारत। तो आप देख रहे होंगे ये गुड़ाडेर की तस्वीर दिखा रहे हैं, सरपंच प्रत्याशी फूलचंद सैनी जी के समर्थन में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से फूलचंद सैनी जी ने ग्राम पंचायत गुड़ाडेर में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, जिससे इनको मतलब जहाँ भी ये जा रहे हैं पूर्ण समर्थन इनको मिल रहा है। कैमरा पर्सन राम किशन के साथ मैं किशोर कुमार।